नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बच्चे बड़े प्यारे होते हैं और हर माँ बाप को अपने बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये कहावत भी है और सच्चाई भी है। आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी सलाह के रूप में दूंगा जो बच्चों को और माँ बाप को दोनों को मान लेनी चाहिए, उससे आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होगी। बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी की गोद में ना बैठे। कोई कितना भी सगा रिश्तेदार हो, चाह कर भी बच्चे कभी किसी की गोद में ना बैठें, पास बैठकर बात करें, गोद में बैठने की कोशिश ना करें। नंबर दो, बच्चे बहुत अबोध होते हैं, उनके मन में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है, लेकिन उनको सलाह दी जाती है कि वो कभी भी किसी के सामने कपड़े ना बदलें। नंबर तीन, अपने बच्चे को किसी के घर अकेले जाने या अकेले आने के लिए कभी भी फोर्स ना करें, कभी भी ना कहें। नंबर चार, अगर बच्चे कोई वीडियो देख रहे हैं तो पहले अच्छे से चेक कर लें कि इसमें कोई अश्लील सामग्री तो नहीं है। उस अश्लील सामग्री का बच्चे के दिमाग पर असर पड़ सकता है जो आपके बने बनाए प्लान को, बने बनाए परिवार को तोड़ सकता है। नंबर चार, कभी भी अपने बेटे या बेटी किसी को भी पति पत्नी कहकर संबोधित ना करें, यानी लड़की को कभी ये ना कहे ये आपकी पत्नी है, लड़के को ये ना कहे कि ये आपका पति है। किसी से भी बचपन में रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करें और ऐसा बच्चों के सामने हरगिज ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। माँ बापों के लिए एक विशेष सलाह ये है कि जब भी आपके बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो ये पता जरूर रखें कि वो किस तरह का खेल खेल रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए ना, मेरा मतलब समझ गए ना, क्योंकि कुछ मेरी भी जिम्मेदारी है, कुछ मेरी ड्यूटीज हैं, इसलिए मैं सिर्फ हिंट्स में आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा आप अपने बच्चों को यथा योग्य और उचित समय पर यौन शिक्षा जरूर दें, उनको सही जानकारी देने की कोशिश करें, लेकिन कब कितनी डोज आपको देनी है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। माता पिता का नियंत्रण हमेशा अपने बच्चों द्वारा एक्सप्रेस किए जाने वाले नेटवर्क पर सेट होना चाहिए। और अंतिम ये है कि अपने बच्चों की ब्राउजिंग हिस्ट्री समय समय पर चेक करते रहें। ये आपके लिए विशेष हिदायत है कि अपने बच्चों के ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करें, उससे आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके नियंत्रण में रहेंगे और बच्चे इधर उधर जाने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है। मेरा काम था सिर्फ बातों को बता देना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कब करना है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर करेंगे तो आपके, आपके परिवार के और आपके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आशा है जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बात आप समझ गए होंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।